खैर मैं ये जो आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ ये कि हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से जो भूमिका अदा की, उस भूमिका को आपको हमको रेखांकित करना और उसके आधार पर हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग और मेहनत कश अवाम एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा कि उसने आजादी के आंदोलन को भी बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन के अंदर एक वामपक्ष का मतलब मजदूर वर्ग मेहनत कश के पक्ष की बात सोचने वाला एक पाकार एक पक्ष बना और वो संघर्ष के जरिए के दौरान उसके ढुलमुलपन के खिलाफ एक अवसर पर उसने आके एक अलग पार्टी का गठन किया और वो बाद में सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, चाहे वो EMS नब्बुदी पाद हो, चाहे वो पी राममूर्ति हो, चाहे अम्बासपुंडे हो, तमाम सारे लोग। वो क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मेहनत के सवाम की एकता और संघर्ष के आधार पर एक राजनीतिक लड़ाई को रूप में तब्दील करके उस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते। और इसीलिए साथियों ये जो हमारे आजादी के बाद के समय जो नेतृत्व था उसमें बहुत सारे लोग समाजवादी रुझान वगैरह के, नेहरू के बारे में भी कहा जाता है समाजवादी रुझान के थे, ठीक है उनका एक विचार था सोच था, लेकिन ये हुआ क्यों? अकेले सोवियत संघ का मामला नहीं था ये कि सोवियत संघ में समाजवाद था, इसलिए इसका मतलब ये था साथियों कि यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर मजदूर वर्ग सामंतवाद विरोधी संघर्ष पूंजीवादी विरोधी संघर्ष इस स्तर पर था और कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारे तबकों को जो मजदूर वर्ग के पक्षधर हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो बुद्धिजीवी थे, वो छात्र थे, वो नौजवान थे, वो महिलाएं थी, उनको भी संगठित किया और सिर्फ संगठन बनाकर उनके अपने मुद्दों के लिए नहीं, उनको वैचारिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया कि आपको मजदूर वर्ग की जो भूमिका है उसको स्वीकार करना है और समाज के अगले अगर परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन में आपकी। तो इसलिए देश के अंदर ये जो मजदूर वर्ग और मेहनत कश की एकता को विकसित करते हुए जो संघर्ष का जो रास्ता अपनाया गया उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णायक भूमिका अदा की। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत विस्तार के साथ इतिहास पर नहीं जा सकती। अब ये जो बात है साथियों इसके साथ साथ में क्या हुआ? अगर हिंदुस्तान की आजादी आ गई बहुत से लोगों का तो पड़ाव हो गया, आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने इस देश की जो सत्ता आई उस सत्ता का विश्लेषण किया, क्या है मजदूर वर्ग के साथ क्या होगा और मजदूर वर्ग इसके खिलाफ क्या भूमिका अदा कर सकता है। ये जो बड़ा योगदान है, बिना कम्युनिस्ट पार्टी के हिंदुस्तान के अंदर मजदूर वर्ग के आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते। एक साधारण ट्रेड यूनियन आंदोलन होना एक अपनी बात, कई यूरोपीय देशों के अंदर है, बड़ा ताकतवर है ट्रेड यूनियन आंदोलन, लेकिन वो ट्रेड यूनियन आंदोलन कहां पहुंच गया? वो ट्रेड यूनियन आंदोलन पहुंच गया उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नारे देने वाले, उसी पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक और संचालक और भागीदार बन गए, चाहे वो इंग्लैंड का प्रश्न हो या दूसरे तमाम सारे पूंजीवादी राष्ट्र। पर हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ इसके, इसको आपको पकड़ आपको उनको समझना है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में और मजदूर वर्ग के आंदोलन में एक भ्रम फैला, एक ना भटकाव आया और भटकाव के खिलाफ सही आंदोलन को विकसित करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भूमिका अदा की, हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों ने मजदूर वर्ग को और आंदोलन को तेज करने और मेहनत कश की आम एकता कायम करने के लिए संघर्ष जो भूमिका अदा की उसको समझे बगैर हम कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका और मेहनत कश अवाम की एकता बनाने और संघर्ष को तेज करने को नहीं समझ सकते। क्या हुआ? कुछ लोग कह रहे थे जो ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर थे जिन्होंने वो ट्रेड यूनियन का नेतृत्व किया, जिस ट्रेड यूनियन ने राजनीतिक भूमिका अदा की अंग्रेजों के समय में, वो ही कह रहे थे नहीं नहीं अब तो कोई संघर्ष की आवश्यकता नहीं, अब हमारा देश आजाद हो गया है, अब हम धीरे 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 करके अपने समाजवाद की तरफ चले जाएंगे हम। ये जो भ्रम था उस भ्रम को स्पष्ट करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से सही विश्लेषण किया, अंदर संघर्ष किया और संघर्ष विकसित जब कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने उस क्रांतिकारी विचार को बचाने के लिए, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन बचाने के लिए विभाजन भी हुआ। एक बार दक्षिण पंथ के
मतलब वर्ग सहयोगवादी का पटका और एक अतिवादियों का पटका हुआ। लेकिन आज क्या है तस्वीर, आज तस्वीर क्या है? आज की तारीख में हिंदुस्तान की आजादी के बाद ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण करके मजदूर वर्ग का आंदोलन कहां जाएगा, मेहनत के सवाल को किस तरीके से संघर्ष संचालित करना है, क्या ये जनवाद जो है ये जो आ गया है उसके वक्त बहुत सारे लोगों जिनको भ्रम था नहीं इसी रास्ते से हमारे देश में समाजवाद आ जाएगा, क्या इससे समाजवाद आएगा? कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं आजादी है ही नहीं, जनतंत्र है ही नहीं, इसे मजदूर वर्ग को बिल्कुल ट्रेड यूनियन का जो खुली गतिविधियां तो कोई मतलब नहीं, सीधे बंदूक चलेगी। ये जो भटकाव के नारे अतिक्रांतिकारी नारे वाले जो थे तो पूरे मजदूर वर्ग को भटकाव की पूरी कोशिश की गई, एक बार दाएं और एक तरफ बाएं। तो ये दाएं और बाएं का जो मसला था अगर इसको अगर यहां हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी भूमिका अदा नहीं करती तो आज हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन का गई भूमिका अदा नहीं करा किया होता तो हमारे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन आज नीतियों से मुकाबले करने की लड़ाई में नहीं हुआ, उसका उसी व्यवस्था का पोषक बन जाता वो। तो इसलिए साथियों ये जो पूरा का पूरा संघर्ष है इस संघर्ष में मजदूर वर्ग की एकता के लिए जो ठोस प्रश्न थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाए, उसके खिलाफ संघर्ष किया, मजदूर वर्ग को भी प्रेरित किया। वो क्या थे हम देख रहे हैं आज भी जिस सांप्रदायिकता का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो आजादी की लड़ाई के दौरान ही सांप्रदायिकता का जहर का इस्तेमाल हुआ, आजादी के बाद ही बहुत सांप्रदायिक मुहिम हुई। ये अलग बात है कि आज की तारीख में सांप्रदायिक फांसीवादी पार्टी सत्ता में आ गई ये बहुत खतरनाक बात हो गई, लेकिन मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए इन ताकतों का इस्तेमाल हमेशा ही होता रहा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने और उसके प्रभाव के जो मजदूर आंदोलन है उसने इनका कैसे मुकाबला किया, कोई भाईचारे की सद्भावनापूर्ण अपील के आधार पर नहीं, इस आधार पर कि अगर ये विभाजन होगा तो मजदूर वर्ग की एकता कायम नहीं हो सकती, मजदूर वर्ग एकजुट नहीं हो सकता, और अगर मजदूर वर्ग एकजुट नहीं होगा तो इस पूंजीवादी सामंती निजाम को पलटकर समाजवाद की ओर रास्ता नहीं बढ़ सकता। और जैसा मैंने कहा कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग को अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है, तो चरण कौन से हैं जिनमें मजदूर वर्ग को जाना है, जिसे मेहनत के सवाम को जाना है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्लेषण करके बताया, एक राजनीतिक आधार पर दिशा दी। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन को राजनीतिक आधार पर एक सही दिशा देने में जो कम्युनिस्टों की भूमिका रही उस भूमिका के चलते आज की स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में हर किस्म की चुनौती को हम समझने में सक्षम है, उस चुनौती का मुकाबला करके हम उसका जवाब देने की स्थिति में है कि नहीं ये अलग प्रश्न है, पर समझने की स्थिति में। और इसलिए आज हम सब ठीक, हमारा मजदूर आंदोलन इस देश का जो वो समझने की स्थिति में कि कौन से खतरे हैं, नवोदारवादी का खतरा है तो सांप्रदायिक फांसीवाद का भी खतरा है तो पितृसत्तात्मक समाज का भी खतरा है तो मनुवाद का भी खतरा है तो क्षेत्रीयवाद का भी खतरा है, तो वो समझ सकता है कि अगर ये खतरे को हम आर्थिक लड़ाई में उलझा के रखेंगे अपने आप को और इन खतरों के बारे में अगर हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हमने इसकी परवाह नहीं की तो मजदूर वर्ग की एकता नहीं कायम हो सकती, मेहनत कसों की एकता कायम नहीं हो सकती, और अगर मजदूर वर्ग की एकता कायम नहीं हो सकती वर्ग के आधार पर वर्गीय रूप में और उस वर्ग को अगर ऐसे विभाजित किया जाता रहेगा जो वो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में हम इस देश के अंदर समाज बदलाव की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो साथियों ये जो संघर्ष है इस संघर्ष में इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर वर्ग को संगठित करने में दिशाबद्ध करने में और एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन के रूप में तब्दील करने में बड़ी होगी। ये सारे साथी समझ पूछते हैं ये क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन क्या होती है? देखिए साथियों क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन क्या होता है? एक आंदोलन है कि जो कारखाने के अंदर या किसी भी जगह काम कर रहा है लूट के खिलाफ संघर्ष करेगा तो उसकी आर्थिक लड़ाई है। ये तमाम सारी ट्रेड यूनियन है जो वैचारिक रूप से मार्क्सवाद लेनिनवाद को नहीं समझती या उसको अपने वैचारिक आधार नहीं बनाती या समाजवाद के प्रति इनकी प्रतिबद्धता नहीं है या दुनिया के अंदर ऐतिहासिक रूप से मजदूर वर्ग की जो भूमिका है उसको नहीं समझती तो वो तो इसी व्यवस्था के अंदर वो कुछ छोटी मोटी मांगों के लिए संघर्ष करते रहते। पर हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन आंदोलन में जो संघर्ष चला एक तरफ इस संघर्ष को
बिल्कुल रिफॉर्मिस्ट संघर्ष में तब्दील कर दिया जाए, बिल्कुल सहयोगवादी मजदूर आंदोलन तब्दील कर दिया जाए, और दूसरा कि मजदूर आंदोलन को, ट्रेड आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन तब्दील किया जाए। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा योगदान है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसी ट्रेड यूनियन मौजूद है और दिशा देने की स्थिति में है, जो आर्थिक सुधार, आर्थिक मांगों के साथ साथ सामाजिक बदलाव की लड़ाई के लिए भी मजदूर वर्ग को तैयार करना अपनी जिम्मेदारी मानती है, जो अपने लक्ष्य में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में घोषित करती है, CITU है। तो ये मजदूर आंदोलन को, और आज ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट हो गया कि इसी राजनीतिक विचार और प्रक्रिया, मजदूर वर्ग की भूमिका इस देश के अंदर भी, मजदूर वर्ग ने आजादी के आंदोलन में भूमिका अदा की, आजादी के बाद भी जबरदस्त जनतंत्र को बचाने का सवाल आया हो आपातकाल खिलाफ तब भी, आज फांसीवाद का खतरा है तब भी, हमारे देश के अंदर मेहनत का समाम की किसानों की, खेत मजदूरों के संघर्ष है उनके जरिए, उसको लड़ाई के जरिए वाम मोर्चा की सरकारों का गठन और भूमि सुधार की जो प्रक्रिया चली उसमें भी। तो इसी साथियों, ये जो आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर ये है कि हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग का आंदोलन आज वजूद में है, और ऐसे वजूद में है, मैं इसको कोई अतिरिक्त तरीके से मेरी बात को मत लीजिए, क्या सामान्यीकृत फॉर्मुलेशन मत कीजिए, लेकिन पिछले 15 दिन में जो घटनाएं हैं वो घटना क्या है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बिजली कर्मचारियों के आंदोलन ने पीछे धकेल दिया, सुरक्षा उद्योग के कर्मचारियों की हड़ताल के नोटिस ने केंद्र सरकार को टेबल पर लाके बिठा दिया, और अभी रेलवे के कर्मचारियों की का जो अल्टीमेटम दिया उसके आधार पर कल सरकार पीछे हट गई। ये कोई ट्रेड यूनियन है, कोई क्रांतिकारी यूनियन नहीं है, लेकिन इनको दिशा संघर्षों के नीतिगत आधार पर संघर्ष की दिशा में लाने में जो कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिका अदा की, और उस विचार के आधार पर जो एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन ने जो संयुक्त आंदोलन की रणनीति और नीतियों के आधार पर संघर्ष की बात को आगे बढ़ा रही है, उसका ही परिणाम है। तो इसी साथियों, एक और बड़ा ये योगदान है, आमतौर पर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन या जन संगठन, उनको कम्युनिस्ट पार्टी का पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझते, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट किया, नहीं गलत बात है, अगर आप हिंदुस्तान के बहुमत मेहनत कश आवाम को संगठित नहीं कर सकते, अगर वो आपके संघर्षों में शामिल नहीं है तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो बहुमत आबादी है वो वर्गीय चेतना के आधार पर राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न नहीं। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक वर्गीय राजनीति दल है जो मजदूर वर्ग मेहनत कशों की राजनीति करता है, तो वो अपनी राजनीतिक भूमिका अदा करेगा, लेकिन राजनीतिक भूमिका के लिए बहुमत समाज को तैयार करने का काम उस कम्युनिस्ट पार्टी ने दिशा दी कि वर्गीय संगठन होंगे, जन संगठन बनेंगे, उसके आधार पर आम लोग अपनी चेतना के साथ आएंगे, और उनका संचालन कोई जनवादी केंद्रता के आधार पर नहीं होगा, जनवादी तरीके से होगा, और कम्युनिस्ट उन्होंने ये दायित्व स्वीकार किया कि जहां भी वो काम कर रहे हैं या उनके प्रभाव का जो है उसमें वो ये अपनी नेतृत्व को थोपने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उस जन यूनियंस के अंदर, उस मजदूर के आंदोलन में ये जनवादी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने का कार्यभार भी उन्होंने लिया। तो ये बड़ा एक योगदान है, इसी के आधार पर मजदूर वर्ग की एकता कायम हो रही है या होगी, इसी के आधार पर मजदूर वर्ग के संघर्ष तेज होंगे, और इसी के आधार पर मजदूर वर्ग एक राजनीतिक भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करेगा। तो इसी साथियों, ये जो अवसर है, इस अवसर पर ये जो उनका योगदान है, मतलब घटनाओं के आधार पर मैं नहीं जा रहा कि कौन सी आंदोलन क्या आंदोलन, वो आप सब, आपके पास साहित्य उपलब्ध है, मैं कुछ मोटे सैद्धांतिक फॉर्मुलेशंस के आधार पर ही बात कर, अब मैं इस बात को करना आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो अब नया दौर है इस वक्त 1991 के बाद आया, ठीक है, वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन हुए, सोवियत संघ का बिखराव एक बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम साबित हुआ पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, लेकिन उस इतने बड़े आघात के समय मजदूर वर्ग को दिशाबद्ध कहने, दिशा देने का काम कैसे हुआ,
अगर ये जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो चिंतन है, ये जो वैज्ञानिक सोच है, ये जो अवधारणा, ये जो निष्कर्ष है कि अब तक का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और पूंजीवाद ने दो वर्गों को आमने सामने खड़ा कर दिया है और इस अंतर विरोध का हल किए बगैर समाज बच नहीं सकता, तो ये नव उपनिवेशवादी जो दौर आया उसका जो हमला हुआ उस समय, मजदूर आंदोलन की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान दुनिया भर की तमाम सारी कम्युनिस्ट पार्टीज भी भ्रम में फैल गई, हथियार फेंक दी। वो पेरेस्टोरिका ग्लासनोस्ट के समय उनके साथ बह गए और जब उदारीकरण का दौर आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया इसी के जरिए विकास होगा, और वो जो कह रहे थे कि पूंजीवाद अंतिम है उन्होंने उसको मानना स्वीकार कर दिया। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन है, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसने विश्लेषण करके बताया कि ये तात्कालिक है, इतिहास का जो क्रम है उस क्रम में समाजवाद की ओर ही जाएगा। कॉमरेड लेनिन ने जो कहा कि ये युग साम्राज्यवाद से समाजवाद में की ओर जाने का युग है, तो उस अवधारणा के आधार पर, उस वैज्ञानिक सत्य के आधार पर रेखांकित किया और अपने संघर्ष को के रास्ते पर कायम रहे। इस संघर्ष के रास्ते पर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो समझ है और उनका जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है और राजनीतिक दिशा देने की जो उनकी भूमिका है, उसी के चलते आज हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट मजदूर आंदोलन में, मेहनतकशों के आंदोलन में स्वतंत्र गतिविधि और संयुक्त आंदोलन और नीतियों के बदलाव के लिए संघर्ष को तेज करो, संघर्ष के आधार ये जो फॉर्मुलेशन हो रहे हैं और इसके अंदर व्यवहारिक रूप से हिंदुस्तान की ठोस परिस्थिति में कैसे इसको लागू किया जा सकता है, इसको ठीक तरीके से रेखांकित करने की जो क्षमता है मजदूर आंदोलन में, अपने आप को मजबूत करने और विकसित होने और आगे बढ़ाने की का जो संभावना है उसके अंदर जो बन रही है, उसके पीछे ये पूरा का पूरा वैचारिक विमर्श और मार्गदर्शन का भी योगदान है। अपने वैचारिक विमर्श और योगदान को वो कोई हेडमास्टर की तरह थोपते नहीं, ये भी एक वैज्ञानिक रूप से कितनी परिपक्व बात है जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, हेडमास्टर के रूप में थोपते नहीं है उसको, एक प्रक्रिया के रूप में, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के रूप में उसको मजबूरी समझ रहे हैं कि आज के ठोस पारा हालात क्या है, उसमें मेहनतकशों के सामने कौन सी जटिलताएं, उन जटिलताओं को हल करने के लिए मजदूर वर्ग के आंदोलन को मदद करना है और मजदूर वर्ग को इस तरह तैयार करना है कि वो राजनीतिक भूमिका के आ सके। तो आज साथियों तमाम सारे भटकावों से बचाते हुए, चाहे वो आजादी के बाद के कुछ 10-15 साल के लिए अंदर आया हो या उसके बाद फिर बाम भटकाव आया हो और पूरे ट्रिब्यूनल मजदूर आंदोलन को नष्ट कर देने की स्थिति बन गई हो, या ये जो उदारीकरण के दौर का ये भटकाव हो, इस सब से आज हिंदुस्तान के मेहनतकशों के आंदोलन को, उनकी एकता के संघर्ष को सही दृष्टिकोण और दिशा के साथ संचालित करने में जो हम आज सक्षम हो रहे हैं, हम कितने सफल हो पाए, हम कितना परिणाम ला पाए। मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत जटिल और कठिन संघर्ष है, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष है, तो हम जितना संगठित होते हैं वो उतना ही हमको विखंडित करने की कोशिश करते हैं, इस विखंडन के खिलाफ भी संघर्ष हो रहा है। और इसलिए आज ये तो तमाम सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर हमको समझना है हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन के जो 100 वर्ष हुए, ये पूरा जो शताब्दी है वो शताब्दी बहुत ज्यादा निर्णायक बहुत महत्वपूर्ण शताब्दी थी। उपनिवेशवाद गया, समाजवाद आया, दुनिया के अंदर जनवाद आया, अब जनवाद खतरे में हो रहा है, अब दोबारा से तानाशाही के निजाम आ रहे हैं, प्रतिक्रियावाद सर उठा रहा है, तो इस सबको समझने की क्षमता, क्या इनका मुकाबला हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचना, ये हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन ने मजदूर वर्ग को इसके लायक बनाया। और इसलिए आज जो भी खतरा आ रहा है उस खतरे के खिलाफ समुचित कार्यनीति बनाकर संघर्ष को आगे बढ़ाने की स्थिति में आज हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग है। हम देख रहे हैं कि जो COVID-19 का जो हमला हुआ, इसके बाद इसके जरिए जिस तरीके से कॉरपोरेट का एजेंडा, आर्थिक एजेंडा और RSS का जो फांसीवादी एजेंडा को लागू करने की जो चुनौती हमारे सामने है, तो मजदूर वर्ग ने भी क्या रेखांकित किया कि अगर हम आर्थिक मांगों पर केंद्रित करेंगे अपने आप को,
और इस खतरे से नजरअंदाज कर देंगे तो आर्थिक मुद्दों की लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आर्थिक मुद्दों की लड़ाई को छोड़ देंगे और सिर्फ ये राजनीतिक आधार पर या फांसीवाद के मुद्दों को लेकर मजदूर को संगठित करने की कोशिश करेंगे तब भी संघर्ष नहीं होगा, तो कितनी कामयाब कार्यनीति बनाने में सफल हो गए कम्युनिस्ट आंदोलन की देन, कितने कामयाब तरीके से कि आज हमने इसको मजदूर आंदोलन के समक्ष इस बात को हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आज जो बुनियादी चुनौती है हमारे सामने उस चुनौती में आर्थिक संघर्ष और ये सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष दोनों को जोड़कर वो एक दूसरे के साथ जुड़े उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इससे भी एक कदम और भी कि हिंदुस्तान की जो ठोस परिस्थिति है इस ठोस परिस्थिति के अंदर जब तक जाति विभाजन के आधार पर मनुवादी जो दृष्टिकोण से जिस तरीके से दमनकारी तंत्र बना हुआ है जो पितृसत्तात्मक समाज के आधार पर महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न की स्थिति बनी हुई है तो महिलाओं का प्रश्न सिर्फ इस आधार पर नहीं कि भावुकता के आधार पर महिलाओं पर दमन हो रहा है बेचारियों पर बचा ना, मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमारी आबादी का 50% हिस्सा तो मेहनत कशों का भी 50% हिस्सा है। बिना कामकाजी महिलाओं को संगठित किए हुए हिंदुस्तान में मजदूर आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता, वो मजदूर आंदोलन क्रांतिकारी भूमिका अदा नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो लक्ष्य और ये कार्यभार जो तय हुए हैं वो आज की चुनौती को का मुकाबला करने के उपयुक्त कार्यभार है। अब सवाल ये कि इन कार्यभारों को लागू कितना कर तो सांगठनिक जो कमजोरियां वो अलग विषय, उनको भी दूर करने के लिए दस्तावेज बनने ये सब बनने उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा योगदान है। तो इसी साथियों आज ये साफ हो गया कि COVID-19 के दौर में हमारे देश के अंदर दो तीन चीजें साफ हो गई और फिर मैं दुनिया की स्थिति के बारे में आप जानते हैं फिर भी मैं दोहराऊंगा थोड़ी सी। एक, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राजनीतिक दल हैं पूंजीवादी भूस्वामी वर्ग की, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजू जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, DMK हो, AIDMK हो, बीजू जनता दल हो, जितने भी दल हैं, समाजवादी दल हो, BSP हो, इनका सबका मजदूर वर्ग के सिलसिले में कॉरपोरेट परस्त आर्थिक एजेंडे के मामले में सभी एक। और ये जो COVID-19 के दौर में और पिछले दौर में हमने देखा कि जब मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला हुआ तो पंजाब की कांग्रेस की सरकार भी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, फिर BJP की सरकार, हिमाचल की BJP की सरकार, उत्तर प्रदेश की BJP की सरकार, बीजू जनता दल की सरकार, सारी सरकारें एक हैं। तो एक तो साफ ये हो गया कि आज की तारीख में मेहनत कश आवाम के लिए पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग के लिए एकमात्र राजनीतिक दल है जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट आंदोलन जो खुद घोषित रूप से अपने आप अपने लक्ष्य को छुपाए बगैर साफ साफ कहता है हम मजदूर वर्ग की पार्टी है, हम मेहनत के स्वभाव की पार्टी है। एक नंबर दो, ये स्पष्ट हो गया कि जिन मुद्दों को कम्युनिस्ट पार्टी या मजदूर वर्ग उठा रहा था, ये जो निजीकरण के खिलाफ जो संघर्ष है उस समय लोगों को राजनीतिक संघर्ष लगता था। हम जब निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे लोग कहते थे राजनीतिक लड़ाई है, वामपंथ की लड़ाई है। आज क्या हुआ, ये COVID-19 ने साबित कर दिया कि ये जो विनाशकारी नीतियां हैं आपकी निजीकरण की, ये पूरी पूरी दुनिया के अंदर ये जो निजीकरण की पूंजीवादी व्यवस्था की कॉरपोरेट पर जो नीतियां हैं वो पूरी दुनिया की मानवता को संकट में डाले, हिंदुस्तान के अंदर भी। तीसरा, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी नाकारा साबित हो गई, असफल साबित हो गई है अब कि इसके आधार पर किसी भी किस्म की मानवता की सेवा करना, मानवता के विकास को अगली अवस्था तक या मानवता को बचाना संभव नहीं। कॉरपोरेट्स की लूट के लिए जीवन यापन के साधनों पर बड़ा हमला हो रहा है, कॉरपोरेट्स के मुनाफे कमाने के लिए कोविड में पूरी इंडस्ट्रीज ठप पड़ी, दुनिया का व्यापार ठप है, पर कॉरपोरेट्स के मुनाफों में 27% की वृद्धि, 17% की वृद्धि दुनिया के अंदर मार ली जा रही। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में साफ हो गया कि ये न सिर्फ असफल है, नाकारा है, बल्कि मानवता विरोधी हो गई है। चौथी बात,
समाजवाद कमजोर है, ठीक है 1991 के बाद ये परिस्थिति बनी और लोगों ने कहा कि समाजवाद तो दुस्वप्न है अब, और मार्क्सवाद यूटोपिया है, ठीक है। लेकिन आज क्या साबित हुआ कि जहां जहां समाजवादी व्यवस्था है वहीं वहीं समाजवादी व्यवस्था, जहां मजदूर वर्ग की विचारधारा की हुकूमतें हैं या उनके नजदीक की हुकूमतें हैं, वहीं वहीं वो जनता को बचाने में, इस कोविड के हमले से बचाने में और भुखमरी बेरोजगारी और असहायता की स्थिति से निकालने में वही सब। तो ये जो दौर है अब, ये पूंजीवाद के असफल साबित होने और समाजवाद की श्रेष्ठता को साबित करने का दौर है। और इसी साथियों, ये जो 24 साल का जो ये अवसर है, ये हमें अवसर प्रदान करता है कि हम ऐतिहासिक क्रम में ये समझ सकें कि मजदूर वर्ग ने क्या राजनीतिक भूमिका अदा की और क्या उसकी कमजोरियां हैं। आज उन कमजोरियों को दूर करने के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास वैचारिक आधार पर समृद्ध विचारधारा है, उसका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके, ठोस परिस्थितियों का आकलन करके, ठोस कारोबारों का निर्धारण करके, और फिर बुनियादी रूप से जैसा कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक का मानवता का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब कोई परिवर्तन होगा तो वर्ग संघर्षों के आधार पर ही होगा। तो हमें इस 100वें वर्षगांठ के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए कि ये हमारे जो 100 साल के इतिहास का अनुभव है, पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग के आंदोलन का जो अनुभव है, वो हमें स्पष्ट करता है कि ये जो घटाटोप अंधेरी जैसी परिस्थिति दिखती है, वो अंधेरे की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि पहली बार मानवता के समक्ष आई हो। लेकिन ये पहली बार जरूर है कि इससे पहले जितनी व्यवस्थाएं थी उनको नहीं मालूम था कि अंतर्विरोध क्या है, वो नहीं जानते थे कि बदलाव कैसे हो सकता है, वो नहीं समझते थे वर्ग संघर्ष क्या होता है, वो नहीं उन्हें नहीं मालूम था कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा। लेकिन पूंजीवाद के आने के बाद आज के दौर में मजदूर वर्ग को, मेहनत कश आवाम को के समक्ष ये विचार है, ये विज्ञान है विचारधारा का, जो स्पष्ट करता है कि नहीं, ये घटाटोप है, वर्ग संघर्ष को तेज करेंगे, संघर्षों को तेज करेंगे तो इससे मुकाबला होगा, इसका उसको पराजित किया जाएगा और समाजवाद आएगा। तो ये जो संकल्प लेने का समय है, और आज हिंदुस्तान में संयुक्त आंदोलन के जरिए, स्वतंत्र आंदोलन के जरिए असंख्य संघर्षों के सिलसिले चल रहे, और आज जो कम्युनिस्ट आंदोलन की जो भूमिका के आधार पर ट्रिब्यून आंदोलन ने परिपक्वता हासिल की, उसके चलते हम आज 20वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो 20वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इससे पहले कई सेक्टोरल स्ट्रगल्स हो रहे हैं, डिफेंस का स्ट्रगल हुआ, इंश्योरेंस का स्ट्रगल हुआ, बैंक का स्ट्रगल हुआ, बिजली का स्ट्रगल हुआ। जरा गौर कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब जो संघर्ष है उनमें नीतियों का सवाल प्रमुखता से आ रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले परिस्थिति ये थी कि नीतिगत सवाल जैसे प्रस्तुत करते थे, मजदूरों के अंदर बिखरापन, कोयला का संघर्ष नीतिगत संघर्ष, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ, डिफेंस का स्ट्रगल नीतिगत संघर्ष कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ, उत्तर प्रदेश बिजली का संघर्ष नीतिगत संघर्ष निजीकरण के खिलाफ। इसी साथियों, घबराने की या निराश होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, ये चुनौती आई है, चुनौती आना थी। पूंजीवाद अगर अपने आप को बचाना चाहता है असफल अवस्था में, पूरी तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाने की अवस्था में, बचाएगा, वो बचाने की कोशिश करेगा, हमको लूटेगा, मानवता को नष्ट करेगा। तो मानवता भी, अब तक का इतिहास क्या बताता है, मानवता ने भी अपने अपने तरीके से अपने अपने समय की चुनौती को स्वीकार किया और मुकाबला किया है। ये भी समय ऐसा है कि जो 100 साल का इतिहास है, आज तो हम फिर भी बहुत एम्पावर्ड हैं, हमें मालूम है कि समाजवाद क्या है, हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमें मालूम है कि हिंदुस्तान के आवाम को मालूम है कि मजदूर आंदोलन के ट्रेड राइट्स क्या होते हैं, हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। उस समय तो इसकी कल्पना तक नहीं थी, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार हमको मिल सकते हैं क्या, ये भी सपने में सोचने जैसी स्थिति नहीं थी। तो आज 100 साल पहले जाम थे, ठीक है, हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, मंजिल कठिन है, हम आगे बढ़ते हैं वो पीछे धकेलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं वो फिर पीछे धकेलेंगे, ये क्रम चलेगा। और हम अपने वर्ग संतुलन के आधार पर वर्गीय ताकतों को नामबंद करते हुए,
मेहनत करोगे, बहुमत आवाम को अपने अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और इसी साथियों, ये जो 100 साल पर हमें संकल्प लेना है कि पिछली शताब्दी में हमारे पूर्वजों ने, कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापकों ने, मजदूर आंदोलन के संस्थापकों ने जो भूमिका अदा की, उससे आज हम यहाँ तक आए। अब इनको छीनने की जो कोशिश हो रही है उसको बचाएंगे और समाजवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं फिर आप सभी साथियों को इस कम्युनिस्ट आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपको बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि हम भी उसी झंडे को पकड़कर उस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब जो तकलीफें आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उनका मुकाबला करते हुए हम मैदान में डटे हैं। और इसलिए हम डटे हैं तो हम कोई सपने के आधार पर नहीं डटे, हम कोई इस आधार पर नहीं डटे हुए कि नहीं एक दिन अच्छा आएगा। हम जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर ये व्यवस्था पलटेगी, मजदूर वर्ग पलटेगा, मेहनत का स्वभाव पलटेगा, देश के अंदर इस तरह के वातावरण बनना है। मजदूरों के आंदोलन तेज हो रहे हैं, 26 नवंबर की ओर बढ़ रहे हैं, किसानों के आंदोलन तेज हो रहे हैं, ये बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो 26 नवंबर को संसद घेर रहे हैं। तो मजदूरों किसानों की जो एकजुटता है इसको बनाए रखने का हमें संकल्प लेना है, और इसको बनाए रखते हुए, मजबूत करते हुए इसके इर्द गिर्द और मेहनत कश आवाम को और ज्यादा लाभवंद करने का संकल्प लेना है। अगर इस काम को हम कर पाए तो निश्चित रूप से आज जो चुनौतियां हैं उनका हम मुकाबला कर पाएंगे, उनका जवाब दे पाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण का रास्ता तैयार कर सकते हैं। आप सबको मेरी बात सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आप सबको एक बार सबको फिर से शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। लाल सलाम।